हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रितेश जांगिड, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। बेटा, हम आपके लिए गुरु नीति, जिसके अंदर विभिन्न जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके 2013 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं, जो भी आपके नीट के अंदर आए हैं उनको। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, क्या अपन अप्रोच रखेंगे। तो अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर मेनली जो है वो तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इंटरफ्रेंस विवर्त व्यतिकरण, दूसरा डिफ्रेक्शन विवर्तन, और तीसरा पोलराइजेशन या ध्रुवण। ओके, तो पहला जो पार्ट है वो अपना है व्यतिकरण का। व्यतिकरण के अंदर आपको पता होगा कि दो तीन जो मेन फॉर्मूले हैं, मेन जो टॉपिक आपका इसके अंदर आता है बेसिकली वो आता है YDHC, जो कि ध्वनि वाले से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इंटेंसिटी की, तीव्रता की अपन बात करते हैं, तो अपन जानते हैं कि तीव्रता मैक्सिमम जो होती है, अधिकतम तीव्रता इंटेंसिटी जो होती है, इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2√ I1 इंटू I2। ठीक है, और मिनिमम जो आएगी वो अपने को अपन जानते हैं कि वो होती है I1 प्लस I2 माइनस 2√ I1 इंटू I2। ये अपनी मिनिमम तीव्रता मिनिमम इंटेंसिटी है। अब अपने को यहां पर दिया गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन दिस। ठीक है, तो अपन पहले इसको देखते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर जो अपने पास वैल्यू आएगी जो वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो यहां पर ये सब कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा 4√ I1 इंटू I2। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है आई मैक्स प्लस मिनिमम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 2√ I1 प्लस I2। यहां से अपन क्या करते हैं, 2 आपके पास बच गया, ये आ गया रूट I1 इंटू I2 अपॉन I1 प्लस I2। अब आपको यहां पर ये दिया गया कि यहां पर जो रेशियो है कोहरेंट लाइट से और इंटेंसिटी रेशियो इज n, मतलब I1 अपॉन I2 मान लें अपन, ये आपको n के इक्वल दे रखा है। तो अगर अपने को ये n के इक्वल दे रखा है तो अपन यहां से अगर I1 I2 कॉमन लेते हैं तो अपने को पता है ये आ जाएगा कितना, 2√ I1 ठीक है अपॉन I2, और फिर ये आ जाएगा, यहां से अपन ने क्या किया I2 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया I1 अपॉन I2 और प्लस 1। ठीक है, तो यहां से जो I2 कॉमन आया वो इससे अगर कैंसिल करेंगे तो ये रूट I2 नीचे बच जाएगा, तो ये अपने पास रेशियो आ गया। अब आपको दे रखा है I1 अपॉन I2 की वैल्यू n, तो सिंपल सा लिख सकते हैं 2√ n, और ये हो गया n प्लस 1। तो ये अपना आंसर इसके अंदर आ गया 2√ n अपॉन, और ये अपना ऑप्शन दिख रहा है अपने को साफ साफ कौन सा फर्स्ट, तो इसका आंसर जो हो गया वो फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा विवर्तन पे है। विवर्तन के बारे में अगर अपन बात करें, जो डिफ्रेक्शन है अपना, ठीक है, सिंगल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन जानते हैं कि यहां पर ये सिंगल स्लिट अगर अपन देखें और इसकी विड्थ अपन a के इक्वल लें, यहां पर अपन जानते हैं स्क्रीन है ये, इसकी डिस्टेंस पर लें तो यहां पर ये इसका मिड पॉइंट अगर लेते हैं अपन, तो इस तरह से फ्रिंजेस बनती है, सेंट्रल फ्रिंज, केंद्रीय उचित, फिर मिनिमम, और ये इस तरह से बनेगी। ठीक है, अगर इसकी एंगुलर विड्थ की बात करें, वैसे अपन जानते हैं ये डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई ए के, और ये डिस्टेंस आएगी कितनी, माइनस लैम्डा बाई ए के, तो ये कहलाएगी इसकी एंगुलर विड्थ। ठीक है, एंगुलर विड्थ की बात करें, देखो ये सेंटर है आपका, सेंटर से एक साइड में जो है वो एंगुलर जो डिस्टेंस आएगी या विड्थ आएगी वो लैम्डा बाई ए। टोटल अगर बात करेंगे अपन पूरे की, तो पूरे की अगर अपन बात करेंगे तो आ जाएगा 2λa, लेकिन अगर विड्थ की बात करें, विड्थ जिसको अपन ये कह सकते हैं यहां से यहां तक की विड्थ, देखो इसमें क्वेश्चन जो है जनरली वो इसी टाइप का आता है कि या तो आपको ये पूछेगा सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, या आपको ये बोलेगा कि फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि अपन जानते हैं ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा के दोनों साइड के जो सेंट्रल के दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा आते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों का सेम मीनिंग है, और दोनों के लिए अपने पास डिस्टेंस की अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक की, अगर मैं वाई मानता हूं तो वाई अपन जानते हैं आएगा 2λd अपॉन ए के। ओके, तो आपका जो है ये विड्थ आ गई। एंगुलर की बात करें तो कैपिटल डी को आप हटा देंगे, 2λa के आ जाएगा, ए यहां पर जो अपनी स्लिट है उसकी विड्थ है। अब अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन, अपना क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि लैम्डा आपको दे रखा है,
ठीक है, शॉट ऑन सिंगल स्लिट इतनी वाइड दे रखी है, इसकी विड्थ आपको दे रखी है, तो ऑब्जर्व स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी आपको दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल फिन, तो मैंने बताया कि वही बोल दे अपन, या तो सेंट्रल फिन जो है उसकी विड्थ बोल दे या ये बोल दे, दोनों का सेम मीनिंग होता है। ओके तो ये अपना जो फॉर्मूला अभी आया था वो था 2λ d/a के इक्वल, तो आपको सब दे रखा है 2 into λ, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 2 × 10⁻⁷ मीटर, डी आपको दे रखा है 2 मीटर, अपॉन आपको जो ए दे रखा है विड्थ वो दे रखी है 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³, तो ये अपने पास आ जाएगा देखिए 24 × 10⁻⁴ मीटर, या 2.4 × 10⁻³ मीटर, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2.4 मिलीमीटर, तो आपका आंसर यहां पर जो होगा वो 2.4 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको दोनों जो जब तक नहीं बोला जाए तब तक दोनों स्लिट से आने वाला जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी अपन या उसकी तीव्रता समान लेते हैं, और जब समान होती है तो अपन किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी होती है आपकी आई मैक्सिमम इंटू कोस स्क्वायर फाई बाई टू, फाई यहां पर पाथ डिफरेंस है, लेकिन आपको यहां पर दे रखा है पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है, और अपन जानते हैं 2π/λ (Δx) के, पहले केस में आपको 2π/λ और डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के इक्वल दिए, तो ये आ गया 2π, और ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी उस टाइम के है, तो इसको के लिख देते हैं, तो के इक्वल टू आपका आ गया आई मैक्स इंटू कोस स्क्वायर, पाई की जगह जब ये पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका बच गया पाई, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, स्क्वायर करोगे +1, कहने का मतलब है के की वैल्यू आपकी आ गई आई मैक्स ये। ओके अब आपको ये कह रहा है कि इंटेंसिटी बताओ जब पार्ट डिफरेंस इतना है, तो वापस यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो वापस अगर अपन इसको यूज करते हैं तो पहले तो अपन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो 2π/λ और इंटू डेल्टा एक्स वापस, तो 2π/λ और ये आ गया आपका λ/4, तो λ/4 से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया π/2। अब आपकी इंटेंसिटी जो आएगी के डैश वो आ जाएगी आई मैक्सिमम और इंटू कोस स्क्वायर, π/2 होता है तो ये π/4 हो जाएगा, और ये अपन जानते हैं 1/√2, तो ये अपने पास स्क्वायर करोगे तो आई मैक्सिमम अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगी। अब अपने पास देखो यहां पर क्या आया था, आई मैक्सिमम जो आ रहा था वो किसके इक्वल मान आ गया था के इक्वल, तो यहां पर देखिए आप इसकी जगह के लिखेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा K/2, तो इंटेंसिटी जो होगी वो K/2 होगी, तो ये अपना जो ऑप्शन है वो अपने पास थर्ड आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया थर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, ये देखो इसमें कंबाइंड क्वेश्चन है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, इसका मतलब स्मॉल डी दे रखी है, स्क्रीन और उसकी दे रखी है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने की ये यूज करेगी, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग द 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन किसका, विवर्तन का, डिफ्रेक्शन का और इंटरफेरेंस का। ओके तो यहां पर अब देखो क्या बोल रहा है, पहले उसको अपन देखें, ये बोल रहा है कि जो सिंगल स्लिट के अंदर फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा ये आ गया, ठीक है, ये आपका स्लिट होती है, ये डिस्टेंस अपन जानते हैं, अभी बताइए ये डिस्टेंस अपनी जो आएगी वो आएगी 2λ d/a के, ए यहां पर विड्थ हो गई है। अब ये कह रहा है कि इसके जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके अंदर 10 फ्रिंजेज आ जानी चाहिए, इस तरह से 10 फ्रिंजेज किसकी, YDAC की, तो YDAC की 10 फ्रिंज आनी चाहिए, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो YDAC की 10 फ्रिंजों की विड्थ के इक्वल हो गया, तो यहां पर अपन लिखेंगे ये जो डिस्टेंस आ रही है 2λ d/a, ये आ गई 10β के, बीटा फ्रिंज विड्थ होती है, और ये अपन जानते हैं कि कितनी होती है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस अपनी आएगी वो देखिए आप 10 into बीटा, बीटा की वैल्यू अपन जानते हैं क्या, लैम्डा
डी अपॉन डी, ये दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है, तो 2λd अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा डी कैपिटल डी, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो आपको यहां पर पूछिए दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस, तो देखो दो ठीक है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, हर स्लिट की विड्थ कितनी होगी। तो स्लिट की विड्थ का मतलब आपको ए पूछा है, तो यहां से अगर ए की वैल्यू, क्योंकि यहां पर एक सिंगल स्लिट है ठीक है, तो हर स्लिट की विड्थ किसके इक्वल, ए के, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कैपिटल डी। तो यहां पर ए की वैल्यू आपको पूछिए, तो ए की वैल्यू आप देखिए, ये आपके पास आएगा डी बाई फाइव के। डी जो है वो आपकी दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है, और वो आपको दे रखी है, दोनों स्लिट जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है 1mm, 1mm, 1mm की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर डी स्मॉल डी 1mm पुट करेंगे, तो 1mm अपॉन 5, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 0.2 मिलीमीटर। तो आपका आंसर इसके अंदर आएगा 2 मिलीमीटर ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था ये, इंटरफेरेंस का और डिफ्लेक्शन का। तो आप देखिए आपका ऑप्शन जो आ रहा है ये आ रहा है सेकेंड, 2mm इसमें आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो ये जो सिंपल ये बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ दे रखी है, सबको दे रखा है। यहां पर सिंपल था विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इसे अपन कर चुके कितनी बार, तो यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा उसकी विड्थ पूछी है, विड्थ का मतलब ये कैपिटल डी, ये आपका स्क्रीन आ गया, स्लिट आ गई, ये डिस्टेंस होती है ए। अभी अभी बताया ये डिस्टेंस वैसे लोगे तो एंगुलर तो आएगा लैम्डा बाई ए, और ये लैम्डा बाई ए, लेकिन आपको विड्थ पूछी है, इसका मतलब ये डिस्टेंस पूछी है, तो वाई अभी अभी बताया था आपको, ये होता है 2λd अपॉन ए के इक्वल ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2λd अपॉन सेकेंड आपका आंसर होगा। ओके अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो स्लिटों के बीच की दूरी आपको ये दे रखी है ठीक है, और ये कैपिटल डी ये दे रखी है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, एक स्लिट के सामने जो है वो आपको सबसे पहले पार्ट डिफरेंस देखना पड़ेगा, उसके बाद अपन इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ये अपन ये लगा देंगे ठीक है, तो ये क्योंकि यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको आई नोट दे रखी है, ध्यान रखना, तो आई मैक्सिमम की जगह आई नोट कोस स्क्वायर फाई अपॉन टू, कहने का मतलब है जो भी कुछ होगा उससे अपन फाई कैलकुलेट करेंगे। फाई अपन जानते हैं फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π अपॉन लैम्डा, उससे, लेकिन पहले अपन डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो किसी एक स्लिट के सामने बोल रहा है, तो ये अपने पास मान लीजिए डबल स्लिट है, एस वन एस टू लेते हैं स्मॉल डी, एस वन एस टू, ये अपनी स्क्रीन और ये डिस्टेंस लेते हैं कैपिटल डी, किसी एक स्लिट के सामने ये पॉइंट पी मान लिया, यहां से वेव चली, एक वेव यहां से चली, ये वेव जो है वो डी डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस जो है वो पाइथागोरस से देखें तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल आएगी। पहले इन दोनों में पार्ट डिफरेंस देख रहे हैं, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, और वो आ गया रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी के इक्वल। यहां से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 12 का डी, इन दोनों से डी कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल डी कॉमन आ गया, तो यहां आपके पास बच गया 1 प्लस, वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर, और इसकी पावर आ गई हाफ, और यहां से आ गया -1, ये -1 आ गया। अब अपने को बताया कि d बहुत कम होता है, तो अपन यहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है, अगर x बहुत कम है 1 से तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 1 प्लस एन एक्स। ओके तो यहां पर 1 प्लस एन एक्स ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो यहां पर देखिए आपके पास क्या आएगा, d 1 प्लस एक्स ये हो गया ये, तो इसको लिख देंगे अपन डी स्क्वायर अपॉन 2d² माइनस का 1 आ गया, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया 1d से, तो कहने लगा पार्ट डिफरेंस आपका मिलाकर आया ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। अब आप देखिए इसमें पहले तो कैपिटल डी की वैल्यू देखते हैं अपन, कैपिटल डी की वैल्यू आपको दे रखी है 10d, और स्मॉल डी कितना दे रखा है 5λ, तो पहले अपन इसमें पार्ट डिफरेंस देखेंगे, तो देखो ये आपको दे रखी है 2 और ये दे रखिए 10d, डी से डी कैंसिल तो ये आएगा d/20। अब डी की वैल्यू आपको दे रखिए 5λ/20, तो ये आपका जो आया क्या हो रहा है ठीक है, तो ये आ गया 5λ/20, तो ये आपका आ गया λ/4।
तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर बात यह आई कि अपना पार डिफरेंस लैम्डा बाई 4K इक्वल आ गया। अब अपन इन वो देख लेते हैं, तो यहां पर आते हैं दोबारा। अपन जानते हैं कि फेज डिफरेंस होता है 2π अपॉन लैम्डा इंटू पार डिफरेंस, ये लैम्डा बाई 4K इक्वल आ गया, तो आपका ये बचा कितना π/2। जब यहां पर π/2 अपन पुट करेंगे तो अपन जानते हैं यहां पर अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा π/4। π/4 की वैल्यू cos π/4 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, तो आपका आंसर आ गया कितना I0/2K इक्वल। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है थर्ड, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेवंथ क्वेश्चन। ये भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। अब ये कह रहा है कि परफॉर्म इन एयर देन इन मीडियम अदर देन एयर, दो मीडियम लिया आपने। ये कह रहा है कि फाउंड 8 ब्राइट फ्रिंज, मीडियम के अंदर 8 ब्राइट फ्रिंज वहीं आती है जहां पर 5th डार्क फ्रिंज एयर के अंदर आती है, तो इसका मतलब दोनों के लिए y की वैल्यू सेम हो गई। कहने का मतलब है y जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंट्रल, ठीक है, अगर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेते हैं अपन, या आपका स्मॉल d, ये आपका कैपिटल डी, ठीक है, किसी भी फ्रिंज की ये डिस्टेंस जो वाई होती है, ये वाई किसी भी फ्रिंज की, वाई अपन जानते हैं किसके इक्वल होता है, डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स होता है पार डिफरेंस, पार डिफरेंस अपन जानते हैं अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है ब्राइट बी तो ये होता है एन लैम्डा, और अगर ये डार्क फ्रिंज बनती है तो डार्क फ्रिंज होती है 2n-1 और लैम्डा बाई 2k, ठीक है। अब ये ब्राइट फ्रिंज कितने नंबर की, 8th की, इक्वल टू डार्क फ्रिंज कितने नंबर की, 5th की, लेकिन ये ध्यान रखो 8th फ्रिंज जो है वो मीडियम में है, तो वेवलेंथ अपने को यहां पर मीडियम वाली लेनी पड़ेगी। तो अपन जो है पहले ब्राइट के लिए देखते हैं, ब्राइट जो है आ रही है वो मीडियम में ध्यान रखेंगे, तो अपन लिखेंगे 8th ब्राइट फ्रिंज के लिए आप एन की जगह कितना यूज करेंगे 8, तो 8 लैम्डा हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें आ गया कितना 8 लैम्डा लिखेंगे तो डी अपॉन डी इंटू 8 लैम्डा, लैम्डा किस में, मीडियम में, डार्क आ रही है एयर में, और ये आ रही है कौन सी, 5th, तो एन की जगह 5 लिखोगे आप तो ये आएगा 9 लैम्डा/2, तो यहां पर क्या लिखेंगे डी अपॉन डी 9/2 लैम्डा एयर। तो अगर अपन यहां से सॉल्व करें तो ये तो हो गए कैंसिल आपके, तो ये बचा 8। अब देखो लैम्डा मीडियम और लैम्डा एयर में रिलेशन जो होता है, लैम्डा मीडियम इक्वल होता है किसके, लैम्डा एयर अपॉन म्यू के, और ये आ गया 9/2 और लैम्डा एयर, लैम्डा एयर आपका कैंसिल हो गया, तो आपकी म्यू की वैल्यू जो आएगी, म्यू इक्वल टू आएगा 16/9, तो ये तो आ गया 1/7, ठीक है, और ये 7 के आसपास, तो 1.7 समथिंग आएगा, तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो 7/8 के जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर लो 16/9 की वैल्यू क्या होती है, वो इतनी आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। तो आप देखो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही आते हैं, अगर वे ऑप्टिक्स है तो यहां पर देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन आपको दे रखा है, वेवलेंथ इतनी की दे रखी है, डिस्टेंस डी दे रखी है, स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी आपको दे रखी है। इट इज फाउंडेड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज दिस, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या होती है, पहले तो एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा बाई स्मॉल डी या बीटा अपॉन कैपिटल डी लिख सकते हो आप, बीटा फ्रिंज विड्थ है, ये अपन जानते हैं कैपिटल डी स्क्रीन और जो स्लिट है उनके बीच की दूरी, ये स्लिटों के बीच की दूरी लैम्डा वेवलेंथ है। आपको अब एंगुलर विड्थ दे रखी है थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ इतनी करनी है, लेकिन यहां पर देखो लैम्डा को आपको सेम रखना है, लैम्डा और कैपिटल डी को सेम रखोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो यहां पर एंगुलर विड्थ जो आ रही है, अगर लैम्डा को अपन सेम रखते हैं उतना ही रखते हैं, तो यहां पर आप देखिए जो एंगुलर विड्थ आ रही है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, तो दोनों स्लिटों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा,
तो अपने को विवर्त चाहिए सेकंड केस में डी डैस अपॉन डी, तो ये आएगा आपका थीटा अपॉन थीटा डैस। डी डैस डी आपको पहले दे रखी है कितनी, 2 mm, 2 mm, थीटा पहले आपको दे रखा है 0.2, सेकंड केस में आपको कितना चाहिए 0.021। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आप देख लो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 1.99 एग्जैक्टली आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। ये तो ये एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला, अगर आपको बीटा दे रखा है तो इससे देखिए। यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर अपने को ये कहा जाए कि जो स्लिट है और स्क्रीन है उनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अपन जानते हैं बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा डी अपॉन डी के इक्वल होता है। डी को इंक्रीज करोगे बीटा इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा, तो थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना फ्रिंज विड्थ पे इफेक्ट पड़ता है डी को चेंज करने पर। डी को अगर अपन चेंज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ जो है वो अपनी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कैपिटल डी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है कई बार। ओके नेक्स्ट, अब देखिए आप वापस वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए इसमें YDAC से आते हैं। लाइट की वेवलेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, स्क्रीन यहां पर दे रखी है कैपिटल डी और ये दे रखा है आपको 0.2, क्या एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ आपको व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर विड्थ किसकी होगी फर्स्ट मिनिमा इफ द इंटायर एक्सपेरिमेंट अपरेटस इज इमर्ज इन वॉटर। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखो एंगुलर विड्थ हो और चाहे फ्रिंज विड्थ हो, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। फ्रिंज विड्थ जो होती है बीटा मीडियम इक्वल टू होता है बीटा एयर अपॉन म्यू, जिस मीडियम में भी लेके गए। एंगुलर की बात कर रहा है तो एंगुलर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थीटा मीडियम इक्वल टू थीटा एयर अपॉन म्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहां पर एयर के अंदर विड्थ आपको दे रखी है 0.2, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट आप लेकर जाएंगे तो न तो स्मॉल डी पे इफेक्ट पड़ेगा न कैपिटल डी पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइट भी आपकी वही है। तो कहने का मतलब है केवल लेकिन मीडियम के अंदर जाने पर लाइट अगर वही होगी तो एयर के अंदर वेवलेंथ जो है वो अगर आपको अगर दे रखी है तो मीडियम में वेवलेंथ, अभी एक फॉर्मूला बताया था मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो एयर अपॉन म्यू के, कहने का मतलब म्यू जो लैम्डा है वो अपने आप चेंज हो जाएगा मीडियम के अंदर, तो उस कारण से फ्रिंज विड्थ जो है वो आपकी चेंज होगी लैम्डा के चेंज होने के कारण। स्मॉल डी वही रहेगा, कैपिटल डी आपका वही रहेगा। तो आप अगर ये वैल्यू पुट करते हैं म्यू वाटर, वाटर का अपने को दे भी रखा है नहीं भी दे रखा, तो अपन सब जानते हैं कितना 4/3, तो यह आ गया आपका 0.6/4 और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.15 डिग्री। ओके तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके तो क्वेश्चन सिंपल ही आप देखो, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके YDAC के आ रहे हैं। वापस YDAC का क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहरेंट सोर्सेज इज हाफ, ठीक है। तो दोनों कोहरेंट सोर्सेज के बीच में मतलब स्मॉल डी को हाफ कर दिया जाए और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहरेंट सोर्सेज डबल, कैपिटल डी को डबल कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अपन जानते हैं, बोलिए लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बीटा डैश, लैम्डा वही है इसको आपने डबल कर दिया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को क्या कर दिया आपने हाफ कर दिया मतलब डी बाई टू कर दिया, तो ये 4 आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी और ये अपने को साफ दिख रहा है कि आ गया 4 बीटा के। कहने का मतलब है फ्रिंज विड्थ जो है वो पहले की कितनी हो जाएगी 4 times हो जाएगी, तो यहां पर अपना ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ओके सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए बेटा टारगेट कोर्स के लिए अपने जो नए बैचेज हैं उनकी आपको डेट दी गई है, तो ये आप डेट देखिए। टारगेट कोर्स जो है वो जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनका 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा। फाउंडेशन कोर्स 11th 12th जो कि 1 साल का है अपना, 11th का 1 साल का, 12th का 1 ईयर का, ठीक है, उसकी भी डेट आपको दे रखी है 6 अप्रैल। तो कहने वाला अप्रोक्सीमेट सभी बैचेज अपने जो हैं वो 6th of April को स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें 2-in-1 बैच की, तो देखिए 2-in-1 जो होता है इसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी नहीं की हो, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है कि
बाद में देखेंगे। तो इसलिए अगर किसी ने अच्छे से तैयारी नहीं की है तो उसके लिए सबसे बढ़िया कोर्स आपका 2-in-1। इसके अंदर एक ही साल के अंदर आपको 11th और 12th दोनों के कोर्स करवाए जाएंगे, और इसके अंदर जो एक साल का जो आपका टाइम है, ठीक है, 11th 12th और 9th 10th के अंदर भी ये है कि अगर 9th में अच्छे से तैयारी नहीं की तो एक ही साल में 9th और 10th की तैयारी कर अच्छे से कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने 11th में अच्छे से कोर्स नहीं किया या अच्छे से किया और अच्छे से करना चाहते हैं 11th के कोर्स को, ठीक है, 12th के साथ, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है 2-in-1 और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके बाद आपको एनडीए और सभी के इनकी डेट्स दे रखी हैं। तो टारगेट कोर्स जो है 12th पास उनकी वही 6 अप्रैल और दूसरा 20 अप्रैल को होगा 12th पास, 11th 12th 1 ईयर। तो दो एनडीए अगर करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो डिफेंस में जाना चाहता है तो उसके लिए भी दो बैचेज हैं, 11th और 12th के साथ चलते हैं। ओके, 11th फाउंडेशन एक साल, उनके लिए भी अपना पहला बैच जो है फर्स्ट फेज जो है आपका 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा, नेक्स्ट बैच या फेज जो है आपका 20 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो ये अपने कोर्स की डिटेल्स थी सीएलसी में, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, नेक्स्ट अपना देखिए 11 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट, किसी डिस्टेंस के अंदर 8 फ्रिंजेस मिलती है उसको, ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 nm, मतलब नैनोमीटर। तो अगर इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं तो किसी एक डिस्टेंस के अंदर 8 फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ये कह रहा है 400 के लिए कितनी, उतनी डिस्टेंस के अंदर कितनी फ्रिंजेस आएंगी, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि उतनी डिस्टेंस, इसका मतलब आप देखिए, ये आपका सेंटर है, ये आपका सोर्स S1, ये आपका सोर्स S2, ये डिस्टेंस डी होती है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी हो गई। मान लीजिए कोई एक यहां पर सुपर इंपोज हो रही है, इस डिस्टेंस के अंदर ये वाई ले लेते हैं, तो इस डिस्टेंस में इसकी कितनी फ्रिंजे आ रही है, 8 फ्रिंजे, ठीक है। दूसरा, लाइट आपने चेंज किए, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, ना तो कैपिटल डी आपने चेंज किया, ना स्मॉल डी आपने चेंज किया। तो कहने का बोले ये जो डिस्टेंस आ रही है वो अगर एन फ्रिंजे किसी की आ रही हैं तो ये एन इंटू बीटा के, एक फ्रिंज की विड्थ है तो एन फ्रिंजे आ रही है तो ये डिस्टेंस एन बीटा के आएगा, ठीक है। अब बीटा अपन जानते हैं क्या हुआ, एन लैम्डा डी अपॉन डी, न तो अपन ने इसको चेंज किया न अपन ने इसको चेंज किया। अब दूसरी वेव जो लाइट है उसकी वेवलेंथ आपने चेंज की तो एन भी चेंज हो जाएगा उतनी डिस्टेंस में, बाकी अपन चेंज नहीं कर रहे। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं यहां पर, N1 λ1 = N2 λ2। अब देखो पहली लाइट के जो 8 फ्रिंजे 600 वाले की, तो यहां पर 8 फ्रिंजेज 600 nm, nm को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड में आएगा। दूसरे की फ्रिंजे पूछिए और वो कितने का है, 400 nm, तो N2 की वैल्यू आपको चाहिए तो ये आ गया 4800, ये कैंसिल कर दो चाहे जैसा करना चाहो, अपॉन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये कहा जाता है कि इतनी डिस्टेंस में इसकी फ्रिंज इतनी आई, दूसरे की कितनी आएंगी, तो N1 λ1 = N2 λ3, और भी हैं तो N3 λ3 आप कर सकते हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट में और अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अपना जो आंसर था इसका, ये आपका आ गया 3rd 12th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए YDAC का अगेन। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर मैक्सिमम YDAC का है, तो YDAC का जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार अपन इसको क्वेश्चन कर ले, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा, तक क्योंकि YDAC जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ओके, इफ द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, स्लिट से उसको दूर ले गई, तो अभी मैंने आपको बताया था बीटा जो आता है वो लैम्डा डी अपॉन डी हो गया, थीटा जो आता है वो या तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी या आप लिख सकते हो बीटा अपॉन कैपिटल डी। कहने वाला फ्रिंज विड्थ आपकी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये होती है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई और ये होती है फ्रिंज चौड़ाई। अब ये कह रहा है कि इनके प्लेन जो है यहाँ पर स्क्रीन को अपन दूर ले गए, इसका मतलब स्मॉल कैपिटल डी को आपने इंक्रीज कर दिया, बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो डेफिनेटली बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बीटा चेंज हो गई इसका मतलब फ्रिंज विड्थ की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहां से वापस आते हैं, बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि बीटा यहां पर इंक्रीज हुआ किसको,
डी को इंक्रीज करने पर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना है, स्क्रीन को कभी भी मूव कराओगे एंगुलर विड्थ पे कभी कोई इफेक्ट नहीं होगा, विड्थ पे इफेक्ट होगा। तो यहां पर लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज इंक्रीज, तो फ्रिंजों के बीच के अंदर जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एंगुलर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, एंगुलर सेपरेशन सेम रहेगा तो इनमें एंगुलर वाला तो होगा नहीं, हो सकते हैं लीनियर वाले, इसमें अपने को साफ दिख रहा है इंक्रीज होगा, तो आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ए पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट, इसका मतलब डिफ्रेक्शन का आ गया, नैरो स्लिट आ गया, सिंगल स्लिट का हो गया, ठीक है। प्लेस इज लार्जर, स्क्रीन को काफी डिस्टेंस पर रखा गया है, सब दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज किया जाए तो आपको क्या जो है वो एंगुलर विड्थ पे इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, डिफ्रेक्शन पैटर्न अपन कई बार यूज कर सकते हैं, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, और ये आपकी जो, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ की बात करें, एक साइड की देख लो, दोनों टोटल देखना चाहो तो ये थीटा, तो थीटा नोट थीटा सी लिख दो, टू थीटा, तो ये आ जाएगा टू लैम्डा बाई ए के, ये एंगुलर विड्थ आपकी हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, तो देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के कारण ए पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट आएगा किस पे, लैम्डा पे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हर चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव होती है, ठीक है, जिसको अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ, और डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन जानते वेव होती है, और उनकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को आपने बढ़ाया, लैम्डा डिक्रीज हो गया, लैम्डा अगर आपका डिक्रीज हो गया तो कहने का मतलब एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एंगुलर विड्थ डिक्रीज हो गई, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं दोनों फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा, दोनों फर्स्ट मिनिमा एक दूसरे के पास आ जाएंगे, या तो ये बोल दो या एंगुलर विड्थ कम हो गई, दोनों का सेम मीनिंग है। तो अपन देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा दी एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, ये आ गया और डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली, ठीक है। सेकंड एंड एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनइफेक्टेड, इफेक्टेड तो हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन फर्स्ट ही आ गया, ठीक है। ओके, आगे वापस वही डिफ्रेक्शन का आ गया, डिफ्रेक्शन में केवल एक ही क्वेश्चन, मतलब जो बनता है पैटर्न वो एक ही बनता है, और वो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा ज्यादातर, ठीक है। अब एक बात और आपको पहले मैं बताऊं कि अगर अगर अपन डिफ्रेक्शन पैटर्न लेते हैं तो पार डिफरेंस जो होता है वो होता है ए साइन थीटा, और ये अपने पास जो आएगा वो आप ध्यान रखना एन लैम्डा आता है मिनिमा के लिए, और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ये आता है मैक्सिमा के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना उससे थोड़ा सा अपोजिट आता है, कहने का मतलब जो इंटरफ्रेंस में उससे थोड़ा अपोजिट होगा। तो a साइन थीटा आपकी जो थीटा है वो एंगल आपका आ गया, a फिर जो स्लिट है उसकी विड्थ के इक्वल हो गया। अब देखो इसको अपन देखते हैं क्या बोल रहा है, सिंगल स्लिट है ए, द फर्स्ट मिनिमा, जो फर्स्ट मिनिमा के लिए आ गया आपके पास, फर्स्ट मिनिमा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1 इंटू लैम्डा, ठीक है, और ये 30 डिग्री पर ऑब्जर्व की जा रही है, तो ये अभी आपको बताइए किसके इक्वल आएगा, ए साइन 30, तो ये आ गया लैम्डा के इक्वल, ये 1 बाई 2 होता है इधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके आ गई कितनी, 2 लैम्डा के इक्वल। ओके, सेकेंड केस लेते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा अपना कहाँ ऑब्जर्व होगा, तो देखो फर्स्ट मैक्सिमा जो लेंगे वो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अपन वही एन इक्वल टू 1, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके आ गई 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो यह हो गया आपका 3 लैम्डा बाई 2, ये अपन जानते हैं ए साइन, अब की बार एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा डैश मान लेते हैं, ए की वैल्यू अपन पुट करेंगे 2 लैम्डा, और ये आ गया साइन थीटा डैश और 3 लैम्डा बाई 2। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन, तो यहां से देखिए आप लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये यहां चला जाएगा, तो आपके पास आ गया साइन थीटा डैश इक्वल टू 3 बाई 4, तो थीटा डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई आपकी
साइन इनवर्स 3/4, ओके। तो अपन देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन है, आपको ये दिख रहा है कौन सा, थर्ड। तो अपना आंसर हो गया इसके अंदर थर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लीनियर अपरेचर हुज विड्थ इज दिस इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। द अपरेचर इज यूनिटेड, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, डिस्टेंस जो है, देखो द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर सॉरी स्क्रीन के सेंटर से। तो बार बार अपन एक ही कर रहे हैं कि डिफ्रेक्शन के पैटर्न के अंदर ये आपका सेंटर आ गया, ये डिस्टेंस है वाई, ये एंगुलर की बात करोगे तो लैम्डा बाई ए के इक्वल होगा, ये आपकी विड्थ हो गई ए, ये अपन लेते हैं थीटा, ये आ गया आपका कैपिटल डी, ठीक है। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू आती है वो होता है लैम्डा बाई ए। देखो अगर अपने को या तो ये बोलता है कि सेंट्रल की विड्थ बताओ तो इसको डबल कर देते, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आएगी वो माइनस लैम्डा बाई ए बोलते हैं, इसकी डाउनवर्ड इसलिए माइनस ले लो, डिस्टेंस तो वही होगी। और या इसकी विड्थ पूछे तो यहां पर अपने को वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई अपन देखो कैसे करते हैं, स्मॉल एंगल जो है वो स्मॉल है तो थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेट किसके, टेन थीटा। टेन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन डी। तो आप इसकी जगह वाई अपॉन डी ले सकते हो, वाई अपॉन डी तो लैम्डा बाई ए आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू आपका लैम्डा डी बाई ए। तो कहने वाला सेंट्रल मैक्सिमा जो है, सॉरी हाँ, उसके सेंटर से फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, तो आपको डिस्टेंस ये चाहिए, वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो आपको वैल्यू जो भी दे रखी है। तो देखो फॉर्मूला तो अपना यहाँ लिखते हैं दोबारा, लैम्डा डी अपॉन ए के इक्वल आ गया। लैम्डा आपको दे रखा है 5×10⁻⁷ मीटर में लिख रहा हूँ मैं, मीटर, इंटू कैपिटल डी आपको दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, अपॉन आपको ये दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 2×10⁻⁴ मीटर। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3/2 1.5 और इंटू 10⁻⁴ आ गई आपकी -3 मीटर या 1.5 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन आंसर आपका किस में है, सेंटीमीटर में, तो आप इसको 0.015 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या यहीं पे अपन सबको सेंटीमीटर में कर लेते, एक ही बात थी, ओके। तो ये आपका आ गया थर्ड। सिक्सटीन क्वेश्चन, अब ये थोड़ा अपना पोलराइजेशन का आ गया। पोलराइजेशन में देखो अपन जानते हैं कि अगर सिंपल सा पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझे उसके बाद सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। पोलराइजेशन के अंदर अपन जानते हैं ये पोलराइड अपना, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मान लो इस पर आई नॉट इंटेंसिटी का अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है, अनपोलराइज ए ध्रुवित प्रकाश, तो इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे। जब ये यहां से पास होगी तो केवल एक ही कंपोनेंट जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हैं वो पास होंगे, परपेंडिकुलर वाले जो डोटेड हैं वो कम हो जाएंगे। तो 50% कम हो गए तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई टू। तो हमेशा ध्यान रखना किसी एक पोलराइजेशन से पास होने पर अनपोलराइज लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ओके। अब अपना जो है उसके बाद अपन जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक यहां पर एक पोलराइड और रख लिया, इन दोनों के एक्सिस के बीच में एंगल आपका कितना है थीटा के इक्वल, तो यहां से जो लाइट पास होगी उसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो अपन जानते हैं कितनी आ जाएगी, आई नॉट बाई टू पहले से पास हुई और इंटू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, थीटा आपको जो भी दे रखा है, ठीक है, दोनों के बीच का। अब ये अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या, एक्चुअल में ये कह रहा है कि P1 P2 जो है दो पोलराइड हैं और दोनों के अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो पहला पोलराइड आपका ये P1, दूसरे के अक्ष इसके परपेंडिकुलर यूं, हालांकि वो रखी होगी इस तरह से, ठीक है, और इन दोनों के भी ये पोलराइड आपका P2 आ गया। इनके बीच की अक्ष, सॉरी एंगल जो है वो 90 डिग्री का। अनपोलराइज लाइट वापस यहां पर इंसिडेंट हुई, अनपोलराइज लाइट आई नॉट अपने को पता है जब इससे पास होगी तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी आई नॉट बाई टू, ठीक है।
ये फिक्स है, आई नॉट बाई टू हो गई। अब आप देखिए इसमें पी थ्री जो है एक तीसरा पोलराइड इनके बीच में रख दिया और वो कह रहा है कि पी जो है पी टू सर दैट इज सक्सेस मेक एन एंगल 45 विद द पी वन, पी वन से 45 का एंगल बना रही है। तो यहां से पी वन से 45 का एंगल बनाया तो इनके बीच में एंगल हो गया 45 का। यहां से जो लाइट पास हुई उसकी इंटेंसिटी मान लेता हूं आई वन, तो अपन जानते हैं आई वन की जो वैल्यू आएगी वो हो गई आपके आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू का स्क्वायर करोगे 1 बाई टू, तो ये आपके पास आ गई कितनी आई नॉट बाई फोर, ये आपकी आई वन आ गई। अब ये लाइट जो यहां से पास आएगी उसकी इंटेंसिटी अपन मान लेते हैं आई टू, तो आई टू कितनी आ जाएगी, अब ये टोटल एंगल 90 का ये 45 का, तो डेफिनेटली ये भी कितने का आएगा 45 डिग्री का। तो आई टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई वन इंटू कॉस स्क्वायर, अगेन जो एंगल है वो कितने का 45। आई वन की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गई आपकी आई नॉट बाई फोर और ये यहां से 1 बाई टू, तो आपका आंसर आ जाएगा आई नॉट बाई 8 के इक्वल। ओके, तो आपका ऑप्शन आ रहा है इसमें कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो देखो ब्रूस्टर एंगल कौन सा होता है, पहले तो अगर ये एयर है ये म्यू मीडियम में गई, यहां पर आपने एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट की तो ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, ठीक है, जबकि पार्शियली ये होती है रिफ्रैक्टेड, ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है, ठीक है। अब ये जो एंगल, अगर ये केस हो जाता है कि रिफ्लेक्टेड परावर्तित प्रकाश जो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है, तो जो एंगल आपने यहां पर लिया वो कहलाता है ब्रूस्टर कोण आईपी। ओके, और ये ध्यान रखना ब्रूस्टर कोण पर ये इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, किस किस के बीच में, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इन दोनों के बीच में हमेशा 90, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आईपी पे, आईपी से कम पे भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर ही है, और आईपी से ज्यादा पे भी नहीं, लेकिन इससे होगा। अब अपन बात करते हैं अपने को जो बोल रहा है वो, अपन जानते हैं कि ब्रूस्टर लॉ होता है टेन आईपी इक्वल टू म्यू, म्यू है मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपन जानते हैं हमेशा ये म्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है वैक्यूम को छोड़कर, बाकी आप कोई भी मीडियम लो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, तो ये एक से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब टेन आई पी की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन वन, या आई पी जो है वो ग्रेटर देन टेन इनवर्स वन, इसका मतलब एंगल वो होने चाहिए जिनके वैल्यू, जिनके लिए टेन की वैल्यू एक से ज्यादा हो, अपन जानते हैं टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है वन, तो उससे ज्यादा, इसका मतलब एंगल जो आईपी है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां तक आप इंसिडेंट एंगल कहां तक ले सकते हो भाई, 90 तक पलाओगे तो यू चली जाएगी, आईपी की वैल्यू 90 तो ये हो गई, तो इसका मतलब 90 हो नहीं सकता, लेकिन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक से ज्यादा, एक होती है 45 की, तो एंगल जो है वो 45 से तो ज्यादा आएगा, लेकिन 90 से अपने को साफ दिख रहा है इंसिडेंट 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया 45 से तो ज्यादा आएगा बट लेस देन कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आ गया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ आपको दे रखी है स्टार से आ रही है, लिमिट ऑफ रेजुलेशन ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का रेजुलेशन लिमिट आरएल, सिंपल सा फॉर्मूला है अपन सब जानते हैं, आरएल रेजुलेशन लिमिट 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ए क्या होता है व्यास, द्वारक जिसको बोलते हैं, अपर्चर किसका, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका, तो सारी चीजें अपने को दे रखी है, सिंपल सा है 1.226 × 10 की पावर -7 अपॉन ए, आपको दे रखा है कितना 2 मीटर, सिंपल सा दे रखा है, तो ये आ गया 1.22 × 3 × 3 और × 10⁻¹⁷, तो इसको देख लेते हैं अपन, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया × 10⁻¹⁷ रेडियन, एंगुलर रिजोल्विंग लिमिट होती है तो रेडियन में अपने पास आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा बाई डी जो अपन ले रहे हैं वो उसी से आ रहा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको 1.22 कर दिया गया। ओके, 19, अब देखिए
आफ्टर पासिंग थ्रू ए लीनियर पोलराइजेशन लाइट इंटेंसिटी आपको दे रखी है, 30 डिग्री का एंगल है, पोलराइजेशन इंटेंसिटी ऑफ, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी आई इज द इंटेंसिटी ऑन ए एनालाइजर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पोलराइजर, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ, अब ये ध्यान रखना यहाँ पर पोलराइज लाइट है ये, उसकी इंटेंसिटी आपको आई दे रखी है, पोलराइज लाइट है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, सिंपल रहा है, पोलराइज लाइट कोई भी एक मान लीजिए, इसकी इंटेंसिटी आई है, ठीक है। अब ये लाइट जब यहां से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी आई ही होगी, ये ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो पोलराइज है। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अपन अनपोलराइज लाइट लेते हैं, ये अगर अनपोलराइज लाइट होती तो इस पोलराइज से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती, लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी बोल रहा है कौन सी लाइट है, पोलराइज, तो इंटेंसिटी इसकी आई रहेगी इसके बाद। इसके बाद दूसरा आपने पोलराइड जिसको एनालाइजर बोलते हैं वो लगा रखा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो यहां से जो लाइट पास होगी जिसकी इंटेंसिटी आई डैश माने, तो आई डैश की वैल्यू आपकी आ गई आई इंटू कोस स्क्वायर 30, और आई कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 इसका स्क्वायर 3/4, तो 3/4 इंटू आई के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, फिर ये बोल रहा हूँ पोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज होती तो यहाँ पर आई बाई टू, उसके बाद यहाँ आई बाई टू लिख के इसको सोल्व करते तो आई बाई एट हो जाता, 3i/8 हो जाता, लेकिन ये पोलराइज लाइट है तो इसका आंसर आपका ये होगा, ओके।